भीमा बीणा टूट गई तो गाने से क्या होगा, गाड़ी छूट गई तो स्टेशन पर जाने से क्या होगा, समय रहते समल जाओ बंधुओं, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा। तो क्या होता है, कई लोग विधान में और अन्य कार्यों में सोचते हम लाभ ले लेंगे, चतुर्मास में कई लोग सोचते रह जाते हम ऐसा करेंगे, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। कई लोग ये सोचते होंगे कि धर्म के क्रियाएं होती है, साधु संत आते तो बस दान ही दान की बात होती है और कुछ नहीं होता है, तो कई लोग आते नहीं है इस कारण से। लेकिन मैं कहता हूं बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली महापुण्यशाली ऐसे होते हैं जो धार्मिक क्रियाओं में लाभ लेते हैं, भाग लेते हैं, और कुछ लोग तो भाग लेते हैं, तो भाग वही लेते हैं जिनका पुण्य होता है। एक व्यक्ति सुना था कि प्रतिदिन मंदिर जाता है और मंदिर के अंदर नहीं जा पाता दर्शन करने, पहले की घटना सुना रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या स्थिति नहीं मालूम। एक व्यक्ति प्रतिदिन सौ धर्मेंद्र जैसा बन के और स्वर्ण के आभूषण पहन के प्रतिदिन अभिषेक करता है। अपन हमने देखा है जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो ऐसे ही फटे कपड़े पुराने कपड़े पहन के चले जाते हैं, कुछ भी पुरानी झाड़ियों से अभिषेक शांति धारा होती है, पुराने सब चीज मंदिर के लिए, और अपने लिए अच्छा भोजन है ना, अच्छा टिप टॉप का भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छी कार, अच्छा बंगला, सब अच्छा चाहिए भगवान के लिए। अरे तुम चिंता नहीं करो, एक व्यक्ति ने हमसे बोला था एक बार कि हमने उससे कहा मंदिर की बात चल रही थी, उसने बहुत अच्छी बात कही, महाराज जी हम भले ही किराए के मकान में रह लेंगे लेकिन भगवान को भगवान का मंदिर जरूर बनाएंगे। हमने कहा तुम भगवान का घर बनाओगे तुम्हारा घर तो अपने आप बन ही जाएगा, इसलिए चिंता नहीं किया करो। एक बार गोटे गांव में कमल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, हमने कह दिया उन लोगों से चिंता नहीं करो भगवान की व्यवस्था हो जाएगी बस। और दोपहर में देखा तो एक दूसरे भगवान का कमल था जो, और वो फ्री हो गया, उसको उस पर मूल नायक भगवान को विराजमान कर दिया गया। तो कई बार अपन सोचते भगवान की हम व्यवस्था कर रहे हैं पाठशाला की गौशाला की, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, इसलिए दान देने वालों की कमी नहीं है। हमने देखा है कि लोग हृदय छोटा कर लेते हैं दान के बारे में, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अरे कितना खर्च हो जाएगा क्या होगा, लेकिन पाप के कार्यों में कभी नहीं सोचते। अभी बात आती जब भी कोई अच्छी चीज की, वो हम कई बार बता चुके हैं, अभी तो शॉर्ट एंड स्वीट बताएंगे कि आचार्य भगवान के जो विशेष दिन हों, अपन को ऐसी मांग करना चाहिए सरकार से कि तप दिवस, ब्रह्मचर्य दिवस, आचार्य ऋषि के जो जो विशेष दिवस हैं, और उस दिन अच्छी पूजन करें, गौशाला में जाके दान करें और वृक्षारोपण आदि करना चाहिए। वो आप सब समझ रहे हैं सारे में ना, सब कुछ नहीं बताते हम, क्योंकि जिस जो जो आचार्य ऋषि की विशेष दिवस हैं उस दिन अपन अच्छे कार्य करें, और जिससे कि आचार्य भगवान की यश कीर्ति तो दुनिया में फैली है, लेकिन हम आचार्य भगवान ने जो दिया है उसकी रिटर्न गिफ्ट तो यही है। और आचार्य ऋषि के चरण के बारे में हमने दो तीन बार पहले बताया, देश दुनिया में तो बात पहुंच जाती है लेकिन फिर से बस डिजाइन आने वाली है चरणों की, तो पूरे देश भर में और विदेश में भी अलग अलग तरीके से वो स्थापित होना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अभी कोई चर्चा नहीं हुई फाइनल कैसे होंगे वो बता रहे हैं, सिर्फ भावना हमारी भावना है कि जितनी भी गौशालाएं हैं और जितने भी मंदिर हैं, जितनी पाठशालाएं हैं, जितने भी अलग अलग जगह अलग अलग नगरों में, तो विदेश में आचार्य भगवान तो नहीं गए, लेकिन हमारी तो भावना है कि आचार्य जी के चरण तो हम विदेश में भी जो मंदिर हैं उनमें भी स्थापित होना चाहिए, और जो देश विदेश में जो लोग हैं वो ब्रह्मचारी ललन भैया जी से संपर्क कर लें, क्योंकि हमारा कोई संपर्क सूत्र नहीं है, इसलिए ब्रह्मचारी ललन भैया से संपर्क करें तो वो अपनी व्यवस्था करवा देंगे, जहां से भी जैसी व्यवस्था होगी। तो आचार्य ऋषि के चरण पूरे देश विदेश में स्थापित होना चाहिए, और भी आचार्य भगवान के कीर्ति स्तंभ आदि तो बने ही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे समोसरण जो बने हैं वो दुनिया का सोनागिर को छोड़ के ऐसा पहला स्थान है, पहला मंदिर है जहाँ पे एक साथ 24 भगवान के समोसरण बने हैं, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात है। इसलिए बताता हूँ कि आप लोग क्या है, आप लोग छोटे रूप में देखते हैं और हम कोई भी चीज़ को देख के व्यापक स्तर पर, क्योंकि जैसे महाराज जी ने नंदीश्वर के बारे में बताया था, वो वर्ल्ड का पहला ही नंदीश्वर है, कल आपने शायद देखा होगा, हमें नहीं मालूम किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने तो साक्षात देखा है, और सिर्फ दो विधान संपन्न हुए, घाटोल में हुआ था, दूसरा इंदौर में, बस अभी तीसरा विधान कहीं नहीं हुआ, और बाकी तो महाराज जी ने बता दिया, आज सिर्फ हेडलाइंस, ओनली हेडलाइंस, क्योंकि समय गति से बढ़ रहा है,
इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में बस बताएंगे। इसीलिए आगे दीपावली आएगी और आपको सब कहानी मालूम है कि बच्चों को अभी से अपन पटाखे के बारे में बताएं, और हम तो बताएंगे ही, आप भी बताएं अपने बच्चों को कि कोशिश करें जो इस साल व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार छोड़ना, हिंसक व्यापार है। पटाखे का जो व्यापार करता है उसके बारे में हम अलग बता देंगे, अभी हम बता नहीं सकते, कोई कारण है, ठीक है ना। वो सब जानते हैं, अपन जैन हैं, अहिंसा प्रधान धर्म है। मुनि महाराज से एक छोटा सा भी पंचेंद्री जी मर जाता है तो मरण हो जाता है, गलती से भी या कैसे भी, उसका क्या प्रायश्चित होता है वो आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो हम अलग से बता देंगे, क्योंकि ये चीज़ें बताने लायक नहीं होती। लेकिन कितना दोष होता है, एक पंचेंद्री जीव का घात हो जाता है तो कितने विकल्प आते हैं अपन को। छोटा सा जीव उतने सारे पटाखे चलाते हैं बच्चे, बड़े भी चलाते हैं, बेचते हैं जो लोग। तो इस प्रकार से अपन जैन होके चिंता नहीं करो, दुनिया के जितने अरहंत हैं, ग्रंथ हैं, संत हैं, सबका आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें अगर तुम पटाखे का काम छोड़ दोगे, क्योंकि अहिंसा प्रधान हमारा धर्म है। हम छोटे से जीव को मारते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, इतना सारा घात होता है। ऐसे बच्चे भी अभी से अपन उनको ऐसा बताएं कि दीपावली पर गरीबों की सहायता करें, गौशाला में जाके दान करें और भी अच्छे अच्छे कार्य करें, उसको मना नहीं है, मांगलिक कार्य करें। अपन बच्चे को छोड़ने आते हैं, जब भी कोई बच्चे का जन्मदिन होता है कोई और लेके आते हैं बच्चे को, जब छोटा सा बच्चा रहता है मंदिर आते हैं तो अच्छे से गाजे बाजे के साथ आओ, अच्छे से दिव्य ध्वनि करो ना। इसलिए तो बच्चे आते हैं ना इधर के जो पाठशाला के, वो दिव्य घोष बजाते हैं, उसको कई लोग बोलते बाजे वाले, बाजे वाले नहीं है, बाजे वाले वो रहते बैंड वाले, बैंड नहीं बोलना उसको, वो तुम्हारे नौकर हैं क्या तुम इनको बैंड वाले बोल देते। वो बच्चे अपने हैं, अपनी समाज के हैं, तो वो दिव्य घोष बोलते उसको, क्या बोलते, जिन घोष, दिव्य घोष इसलिए बोलते वो मंदिर की संपत्ति है। जैसे मंदिर में सब चीज़ें रखी रहती है, ऐसी वो मंदिर की संपत्ति, किसी की व्यक्तिगत नहीं है। और जो भी राशि बाहर से भी मिलती है उनके खाते में नहीं जाती है, वो उसी फंड में जमा होती जाती है, जैसे पाठशाला का फंड होता है, गौशाला का होता है, दिव्य घोष का भी ऐसे ही फंड होना चाहिए। बच्चों को अलग से कोई व्यवस्था नहीं रहती है, ना कुछ उनको मिलता है, बेचारे एक तो समय दे रहे और ऊपर से लोग ऐसा बोल देते हैं तो बेचारे दुखी हो जाते। और जितने दुखी व्यक्ति, जितने गरीब हैं, जितने बीमार हैं, उनके लिए हम तो प्रयास यही करते हैं कि उनकी अच्छे से व्यवस्था आदि हो। तो इस प्रकार से यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये सिद्ध चक्रों के माध्यम से सिद्धों की आराधना चल रही है। कैसे हमें सिद्ध बनना है यह यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है किस प्रकार से। तो एक और बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि अपन प्रतिदिन गंधोदक लगाते हैं और गंधोदक की महिमा अपरंपार है, सब जानते हैं। मैं अभी एक पहले संस्मरण सुना देता हूँ, फिर वो बात रखूँगा कि आचार्य भगवान के पास एक ब्रह्मचारी जी गए और गंधोदक लेके गए। कहाँ का ले गए, क्या ले गए, वो डिटेल्स अभी बताने का समय नहीं है। पहले मैं कई बार सुना चुका हूँ वो संस्मरण कि ब्रह्मचारी जी लेके गए, आप समझते, नाम में आजकल वो दिक्कत जाती ना, नाम किसी का बोलो, कोई स्थान बोलो, बहुत सारी है ना। इसलिए मैं कोई बिना नाम के, बिना उसके निन्नों का दोष नहीं लगेगा। मैंने आचार्य ऋषि से पूछ लिया था अमरकंटक में कि ऐसा तो कर सकते हैं, किसी का नाम लो तो उसको विकल्प हो जाते और भी बहुत सारी समस्याएं। इसलिए मैं बुराई भी करता हूं तो लोगों की दिल खोल के बुराई करता हूं, लेकिन नाम नहीं लेता हूं मैं, है ना। और तारीफ भी करता हूं तो कभी कभी लेना पड़ता है तो नाम ले लेता हूं मैं, लेकिन नाम की लिस्ट पड़ी जाती है सम्मान की, कई बार कोई छूट जाता तो उसका अपमान हो जाता है, तो सम्मान समारोह के साथ क्या हो जाता, अपमान समारोह। इसलिए बहुत समस्या रहती है, लिस्ट खतरनाक वाली रहती है। इसलिए बोल देते हैं ना भैया जी के और छूट गया हो तो पार्ट वाई पार्ट चल रहा है, सम्मान हर जगह ऐसे ही होता है, क्योंकि अंत समय में उस दिन कार्यक्रम ज़्यादा रहते हैं, उस दिन समय नहीं मिलता। बेचारे जो मेहनत करते हैं, जो आप तो सब वो भैया जी बता चुके हैं इसलिए वो बोलने की जरूरत नहीं है, जो सेवा करते हैं उसका सम्मान होना चाहिए। अपन को सम्मान की चाह नहीं होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि ख्याति क्या है, खाई है। ख्याति का मतलब प्राकृत भाषा में खाई, ख्याति खाई में पटक देती है। इसलिए अपन को कभी इच्छा नहीं कि हमारा नाम हो। एक दिन हमने सुनाया भी था, अभी कुछ लोग नए हैं पुराने भी हैं, कि करो ऐसा काम हो जाए आपका नाम, फिर मिले इनाम और हो सकता है मिल जाए आपको दाम। क्योंकि दाम काम करने पे मिलता है, मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसलिए काम अच्छा करते रहो, नाम तो अपने आप हो जाता है। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या। तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा।
तो इसलिए छोटी सी चिड़िया बन के, चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे मंदिर हो, चाहे विधान हो, चाहे पंचकल्याणक हो, कई लोग हैं जब कोई काम होता है तो कमेटी के लोग दिखते नहीं हैं, लेकिन जब अगवानी होती है उसमें आगे आगे दिखते हैं, या कई बार कमेटियां बन जाती हैं। ये पूरे देश और दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए अपन को ऐसे लोगों को हमेशा चुनना चाहिए जो अच्छे से मेहनत से काम करें। काम कोई और करता है, नाम कोई और का होता है। तो भैया गौशाला के लिए जरूरत किस चीज़ की होती है? समय की होती है। करोड़ोंपति व्यक्ति भी गौशाला में जाके सेवा करते, कई स्थान हैं ऐसे, हमें बहुत खुशी होती है। हम बस उसी से खुश होते हैं जो प्रतिदिन जल भर के लाता है, उससे जितने भगवान हैं उनका अभिषेक होता है, उसके हाथे में पूरा पुण्य जाता है, जो द्रव्य की व्यवस्था करता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि लोग कमजोर हो जाते, ये नौकरी नहीं कर रहे हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी है। विश्व की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? भगवान की सेवा करना। इससे बढ़कर दुनिया में पुण्य नहीं होता, जिनवाणी की सेवा। आज हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो कई गलतियां निकलती हैं, भक्तांबर पढ़ो, भक्तांबर स्त्रोत, जिन सहसनाम, कल्याण मंदिर स्त्रोत, तो आज किसी से बोलो तो वो करते ही नहीं काम की, इसमें कोई काम करना है, करेक्शन करना है, ताम्रपत पर उत्कीर्ण होना है, तो लोग आते ही नहीं आगे। मैं कहता हूँ इस ऐसे लोगों को जो जिनवाणी की सेवा करते हैं, अलग से ग्रुप बनाना चाहिए ऐसे, और सेवा करने वालों का सम्मान करना चाहिए कि भैया उनने कितना बड़ा काम किया। मैं आचार्य भगवान के संस्मरण हमेशा सुनाता रहता हूँ। महाराज जी के पास तो हजारों संस्मरण हैं, लिखित में हैं और याद भी हैं, मुझे तो सीमित याद रहता है, मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी है ना मेमोरी और चीज़ों में तो भली रहती है, कई चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए मैं बोलता हूँ याद आ जाता है, ध्यान आ जाता है, इसलिए अल्प बुद्धि वाला हूँ। और बस अंतिम श्वास आचार्य भगवान की का स्मरण करते हुए और उनकी स्तुति करते ही मेरा कंठ अवरुद्ध हो, मेरे सामने ग्रंथ हों, अरिहंत हों और संत हों, ऐसी भावना के साथ बस मैं हमेशा भगवान के गुणगान और स्तुति करता रहूं। ऐसे आचार्य भगवान ने तो हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, हम उनका क्या कर सकते, तो गृहस्थ अपने हिसाब से जब भी आचार्य श्री के विशेष दिन आए अच्छे से सब काम अच्छे से करो, ठीक है ना। और जो गंधोदक कुष्ठ आदि रोगों का छह कारण हैं, जो गंधोदक आपत्तियों के सतचक्र का निवारण है, जो शुभ गति के पंथ का सहचारी है, जो निश्चय ही विघ्न राशि का विदारक है, जो पाप रूपी सर्प के लिए नाश करने वाला गरुण है, जो इच्छित सुखों को देने वाला महान कल्पवृक्ष है, जो मिथ्या रूपी बेल को सुखाने के लिए सूर्य का तेज है, जो सार और असार के भेद को प्रकट करता है, जो समस्त यंत्रों में परम यंत्र है, जो सकल मंत्रों में शुभ मंत्र है, जो समस्त रीतियों का दाता है, जिससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस गंधोदक की स्वर्ग में देवों ने वंदना की। देखो देवों ने स्वर्ग में, देवों ने, ये ग्रंथ से लिया गया है, देवों ने वंदना की, व्यंतर गणों ने वंदना कर अत्यंत आनंद मनाया। देखो अपन ऐसे ही करते उदासीन भाव से, अच्छे से देखो जो घंटी बजाते हैं, पूरे वाद्य यंत्र बजाना चाहिए अच्छे से, जब अभिषेक करते ना पूजन, महिलाएं तो करती हैं ऐसे ही, चमर ढोलाना चाहिए, 32 यंत्र जो रहते ना वो चमर ढोलाते हैं हर मंदिर में, ऐसी व्यवस्थाओं की खाली हाथ नहीं करना पड़े। और अष्टप्राती और अष्टमंगल द्रव तो भगवान की शोभा होती है, हर वेदी पे होना ही चाहिए, और भगवान से प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। अभी हमने बताई थी ना आप लोगों को, जब लोग नहीं आए थे, मैं प्रतिदिन भावना यही करता हूँ, हे भगवान आपकी रत्नमयी स्वर्णमयी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनवाऊं, सुंदर जिनालय बनवाऊं, सुंदर सुंदर अष्टप्राती और अष्टमंगल द्रव, सुंदर वेदी बना के आपको विराजमान करूं, और ऐसे ही छत्र चमर अर्पण करता रहूं। वरांग चरित में एक उल्लेख आता है, राजा वरांग घर से आता है शुद्धि के वस्त्र पहन के, और अष्टमंगल द्रव अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए पूजन करता है, घर से द्रव लाता है। इसलिए अपन को मंदिर की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, द्रव्य करते हैं तो उसकी राशि देना चाहिए। पूरे देश में एक बहुत खराब व्यवस्था है, लोग साल में कुछ राशि देते हैं, निर्माल का दोष लगता है। अपन तो चाहे घर से लाओ, कुछ नहीं दो मंदिर को, जो तुम्हें देना देना, घर से लाओ द्रव्य, धोके भी ला सकते, कुएं की व्यवस्था है शुद्ध, तो पूजन में द्रव्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंदिर से शुद्ध वस्त्र में धोके वो ला सकते हैं। पूजन अभिषेक का जल घर से नहीं लाते, वो मंदिर की व्यवस्था, क्योंकि भगवान के ऊपर अभिषेक होना, पूजन द्रव्य भगवान को नहीं चढ़ाना, इसलिए कर सकते हैं ये। अगर शुद्ध जैसी मंदिर जैसी व्यवस्था है तो घर से लाएं, नहीं तो इधर धोएं। और लोग शांति धारा में तो देते हैं राशि, या साल भर में कुछ राशि देते हैं, और एक जो मंदिर के जो व्यवस्था आदि करते हैं उनको स्नान करके ही घर से आना चाहिए। पूरे देश में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि मंदिरों में, जो समझ गए ना आप लोग, जो काम करने वाले हैं अपन, उनसे बोलो कि आप स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करो। गृहस्थों के लिए साफ मना है, देव सास गुरु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिनवाणी स्पर्श करते हैं घर में, या वो
वो भी कोशिश करें माला आदि का कि अपन स्नान करें ग्रस्तों के लिए। ब्रह्मचारी सदा सुची, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है नियम ये, ब्रह्मचारी सदा सुची ऐसा कातंत्र रूप माला में एक श्लोक आता है, आचार्य ऋषि के मुख से हमने वो पढ़ा है, सुना है और याद है कि ब्रह्मचारी सदा सुची, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आनंद मनाया, मध्यलोक में मनुष्य ने वंदना की, पाताल में नागेंद्रों ने वंदना की, वह गंधोदा धुलता हुआ जहां जहां गया वहां वहां तुरंत उसकी वंदना की गई। और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि दो कलश होना चाहिए हर घर में, एक गंधोदक के लिए एक जल के लिए। लोग गंधोदक तो लाते, हमारे पास जल लाते नहीं है, दो कलश रखो है ना हर घर में, वो पॉजिटिव एनर्जी देंगे वो कलश, और हम मांगलिक होंगे, और हर घर के व्यक्ति को तुम गंधोदक दो, क्योंकि प्रतिमा को हर कोई नहीं छू सकता, मंदिर में हर कोई नहीं आ सकता, लेकिन गंधोदक तो वो जैसे महाप्रसाद है। लोग बोलते हैं आहार होते लोग प्रसाद बोलते हैं, तो अपने यहाँ जैन दर्शन के हिसाब से जैन धर्म में अपन उसको क्षुधा औषधि बोले हैं ना, क्षुधा औषधि, क्षुधा की औषधि है ना, सुधार कर लें जैन धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, आप सब समझते हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग, जिससे अपन सुधार करके करें। तो गंधोदक सबको दें घर में, जो बीमार हैं वो भी गंधोदक लगाएं। तो इस प्रकार से ये बात कही है, जिस प्रकार से अपन लोग जैसे पटाखे आदि का त्याग करवाएं, रावण आदि के दहन में कोशिश करें कि अपन लोग उसमें शामिल नहीं हों, क्योंकि वो काय का कार्य है, वो हम नहीं बताएंगे, आप सब जानते हो ना, डिटेल्स में हम आगे बता देंगे, अभी चूंकि बस तो बस राम आराध्य भी हैं और आराधना भी सिद्ध प्रभु, मेरे प्रभुवर का नाम राम, हे प्रभुवर तुम्हें प्रणाम, ऐसे सिद्ध प्रभु राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम साध्य भी हैं और साधना भी, राम धारणा भी हैं और धर्म भी, राम कारण भी हैं और कर्म भी, राम पूर्व भी हैं और युग भी हैं और पल भी, राम आज भी हैं और कल भी हैं, और राम पहले ग्रस्त थे, संत थे, अरहंत थे, और राम आदि हैं और अनंत हैं। इस प्रकार से राम सिद्ध प्रभु राम भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि बस कुछ पंक्तियां कहकर विराम लेते हैं। एक नन्ही सी चींटी ने मुझे सिखा दिया, हिम्मत और हौसले का रास्ता दिखा दिया, राह में कई रोड़े और अड़चने आएंगी, यह जिंदगी भी तुझे बहुत रुलाएगी, सब कुछ त्याग कर जो सपनों की ओर चलता है उसे अपनी मंजिल का रास्ता सदा मिलता है, कभी मायूसी हाथ लगे तो रोना मत, अधूरे सपने छोड़कर कभी सोना मत। तो ये आचार्य भगवान हमारे चले गए, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं हम सबको मिलकर के उनको पूर्ण करना है, और जो हमने बात कही है ना, इस प्रकार से महाराज जी ने बताया था ताम्र पत्र पर द्रव्य संग्रह, रत्नकर्ण साहब का आचार्य स्तूप, देश भक्तामर आदि ग्रंथ उत्कीर्ण हो रहे हैं, ताड़पत्र पर भी महाराज जी ने आचार्य जी का सबसे अंत का ग्रंथ था जो भी विमोचन हुआ था आचार्य पदारण दिवस पर, ताड़पत्र पर हुआ था, वो कौन सा ग्रंथ था, वो ताड़पत्र पे जो धीवरोदय, तो ताड़पत्र 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं, इसलिए क्योंकि ये कागज तो कितनी उम्र रहती कागज की, नष्ट हो जाता है 100-200 वर्ष जितने वर्ष चलता हो, लेकिन ताम्रपत्र हर मंदिर में, चाहे एक ग्रंथ हो हर मंदिर में, ज़्यादा नहीं हो पूरे देश में, विदेश में भी हमने यहाँ से लोग ले गए, विदेश में भी ग्रंथ विराजमान किए आचार्य भगवान की पुण्य स्मृति में, ऐसे आयोजन होना चाहिए, ग्रंथ विराजमान होना चाहिए, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजाचार्य शिक्षण समय सागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य मुनि संघ की जय।